हेलो चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल आर गुड वंस अगेन आई एम हेयर विद द न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ़ एस एस टी दैट इज इस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पार तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे इंडिया जो है ग़ुलाम होने के प्रोसेस में आ गया कैसे ब्रिटिशर्स ट्रैवलर बनकर आए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पार को इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया तो इस चैप्टर में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मर्किन एंड ट्रेड वॉर्स देखो बेटा जो इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुआ ना तो स्टार्टिंग में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी और इन्होंने अपना जो मोटिव बताया था डैट इज टू इस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद द इंडिया ओके okay, तो जब ये यूरोपियन यहाँ नहीं आए थे ना उससे पहले आप ये फोटोग्राफ में देखो वास्को डिगामा जिन्हें ये कहा जाता है जिन्होंने इंडिया के जो सी रूट है उसको डिस्कवर किया था तो आप ये कह सकते हो द फर्स्ट डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया केप ऑफ़ गुड होप जब मैं केप ऑफ़ गुड होप की बात कर रही हूँ ना बेटा तो अगर आपने साउथ अफ्रीका देखा हो ना तो उसका जो ये टिप है ना टिप यहाँ पे यूरोपियन रुकते थे ठीक है अपने शिप को लेकर रुकते थे फिर आगे ट्रैवल करते थे तो इसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप यहाँ से फिर आगे वो गए एंड देन वॉस्को डिगामा हैज़ डिस्कवर्ड द सी रूट ही रीच टू द कालीकट इन द मे 1498 और फिर सबको ये सी रूट पता चल गया और डायरेक्टली ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हो गया हमारा जो है वेस्टर्न यूरोप से तो इस तरीके से ट्रेडिंग परपज से पहले स्टार्ट हुआ था पॉर्चुगेज जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे

ट्रेड परपज़ के लिए आए सो प्राइमरी पर्पस तो इनका ट्रेड ही था क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स यहाँ से वो ले जाते थे डैट वॉज गोल्ड एंड स्पाइसेस मसाले ठीक है तो इसका ट्रेड होता था और ट्रेड विद इंडिया वॉज वेरी प्रॉफिटेबल टू द यूरोपियंस वास्को डिगामा कहता है ही ये द दिक्सटी टाइम्स ऑफ मनी डेट ही हैड इन्वेस्टेड उसने खुद ये बात लिखी है और बताई है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया उसका साठ गुना वो जो है बना कर यहाँ से गया है तो इंडिया से ट्रेड करना एक अच्छा प्रॉस्पेरस तरीका था बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था पॉर्चुगेज़ की बात अगर हम बात करें पॉर्चुगेज़ से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए डच कौन है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है जो पॉर्चुगीज़ हैं उन्हीं को डच कहा जाता है नहीं जो नेटिव्स ऑफ हॉलैंड यानी कि जो आपका नीदरलैंड है ना उनके नेटिव्स को डच कहा जाता है ठीक है अब पॉर्चुगेज पे चलते हैं क्योंकि वॉस्को डिगामा जो था उन्होंने uh, सी रूट को डिस्कवर किया था ही सिक्योर द सर्टेन फैसिलिटीज फॉर ट्रेड फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट देन जाम्रियन अब क्या हुआ ये जो रूलर थे कालीकट के जामरियन इन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वॉस्को डिगामा को दे दी थी फिफ्टीन ओ फाइव में क्या हुआ जो ये आपके थे ना एलमीडे द फर्स्ट पॉर्चुगीज इन द ईस्ट सिक्योर दी रूट टू द पोर्चुगल फ्राम अटैक ऑफ द अरब एंड देन इंडिया एंड सक्सीडेड सम एक्सटेंडेड तो हुआ क्या वो आए उन्होंने अरब अटैक को जो है उससे लड़ाई लड़ी और अरब को हरा दिया अरेबियंस को और फाइनली उन्होंने जो दी आज का हमारा है ना दमन दियू सुनते हैं ना आप ये यूनियन टेरेटरीज दियू को कैप्चर कर लिया अपने अंडर ले लिया इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट पोर्चुगीज वाइस राय आए उन्होंने क्या किया उन्होंने पर्शियन गल्फ रेड सी इनको कंट्रोल में कर लिया फिर धीरे धीरे जो है पोर्चुगीज़ ने गोवा दमानद्यू आपका यहाँ पे बेसरीन इन सब पे जो है कैप्चर करना शुरू कर दिया इवन बॉम्बे तक वो पहुँच गए वेस्टर्न कोस्ट पे हुगली जो था बंगाली कोस्ट पे एंड देन थॉम ऑन द मेड्रॉस कोस्ट यहाँ सारे पे पूरा का पूरा पोर्चुगीज़ का जो है कैप्चर हो गया पोर्चुगीज़ ने पूरा अपने अंडर ले लिया था इन सारी एरियाज़ को क्योंकि कोई अच्छा रूलर तो था नहीं इंडिया में तो इन्होंने बेनिफिट उठाया तो तब तक जो था मोनोपोली चल रही थी यानी पोर्चुगीज़ अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बना रहे थे और अपने ट्रेड को बेनिफिशियल बना रहे थे तो दे इंजॉयड ऑल द फैसिलिटीज रिलेटेड टू द ट्रेड हावर देयर इन्फ्लुएंस स्टार्टेड टू डिक्लाइन अभी ज़्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि जैसे ही डच आने शुरू हुए फ्रेंच आने शुरू हुए और इंग्लिश ब्रिटिशर्स आने शुरू हुए तो इनकी जो पावर थी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई कैसे पोर्तुगाल वॉज द स्मॉल कंट्री एंड डिड नॉट हैव अबंडेंट रिसोर्स कोई बहुत बड़ी कंट्री थी नहीं अगर कल को लड़ाई वड़ाई होती तो पुर्तगाल में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो यहाँ पे भेज सकें ठीक है तो ये एक छोटी कंट्री होने के कारण और कम रिसोर्सेज होने के कारण ये यूरोपियन की पावर से थोड़ा सा कम्पेरेटिव अगर आप कहोगे ना ब्रिटिशर्स की पावर से कम पावरफुल निकले देन द पोर्चुगीज ऑफन कन्वर्टेड द हिंदूज एंड मुस्लिम टू द क्रिश्चैनिटी तो इसलिए जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी जबरदस्ती ये इन्हें क्रिश्चैनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे इवन दे स्टार्टेड टू मैरिड द इंडियन वुमेन उनसे शादी करने लगे ताकि उनके जो धर्म को है वो चेंज कराया जा सके तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट था देन दे ऑफन इंटरफेयर विद द इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने लग गए थे तो इंडियन रूलर्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे सो so, फिफ्टीन में क्या हुआ द पोर्चुगल वॉज टेकन ओवर बाय द स्पेन अब ये यहाँ तो कैप्चर करते जा रहे हैं इंडिया में कॉलोनीस लेकिन स्पेन ने पुर्तगाल पे ही हमला कर दिया और पुर्तगाल को अपने अंडर ले लिया 1629 में मुगल्स टू ओवर द हुगली फ्रॉम देम और यहाँ पे क्या हुआ इंडिया में जो रूलर थे रीजनल रूलर वो पावरफुल में आ गए तो जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने इन्हें हरा दिया और हुगली जो कि प्रेजेंट डे आपका कैलकटा है ना जो आपका वेस्ट बंगाल के पास पड़ता है उसको इन्होंने इनसे कैप्चर कर लिया मराठास वो पावर में आ गए उन्होंने अपना एरिया ले लिया बॉम्बे वॉज गिवन टू ब्रिटिश एज ए डॉरी इन मैरिज ठीक है तो इस तरीके से जो इनके पास इतनी एरिया थी वो धीरे धीरे हटती गई तो यहाँ इंडिया से भी इनकी पावर जा रही थी और वहां स्पेन ने ऑलरेडी इन पे कब्जा कर लिया था तो ये इस वजह से डिक्लाइन होते गए अब हम नेक्स्ट पावर की बात करते हैं जो इंडिया में आई डेट इज द डच जिन्हें हम कहते हैं नीदरलैंड की जो पॉपुलेशन है डच ने भी अपना जो ट्रेड इस्टैब्लिश किया था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इस्टेब्लिश किया था 1602 में अच्छा इनको भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो है अपनी गवर्नमेंट का मिला था लेकिन जो डच थे ना उनकी नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी इसीलिए लिए वाटर वेज में इतने स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये धीरे धीरे पोर्टुगीज को एलिमिनेट करते गए और उनकी जगह अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी यानी ट्रेड में अब उनका एकाधिकार हो गया अब एकाधिकार हो गया तो अपने हिसाब से सामान को बेच रहे हैं खरीद रहे हैं लेकिन हुआ क्या धीरे धीरे फ्रेंच आ गए अब जब फ्रेंच आना शुरू हुए तो इन्होंने जो एरिया कैप्चर की थी वहाँ इनकी फ्रेंच के साथ लड़ाई होने शुरू हो गई और इस वजह से डच की पावर डिक्लाइन हो गई अब हम चलते हैं फ्रेंच पे द फ्रेंच जो फर्स्ट फ्रेंच कंपनी टू तो ट्रेड इंडिया डेट वॉज सेटअप इन दिक्सटीन सिक्सटी फोर फ्रेंच इस्टेब्लिश देर ट्रेडिंग सेंटर्स एट पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर इन इंडिया उसके बाद उन्होंने मॉरिशियस जो था अरेबियन सी में उसको कर लिया पोर्चुगेज एंड डच हैड ऑलरेडी सीज टू एग्जिस्ट दिस पावर अब हुआ क्या फ्रेंच जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी एंड द गॉड द सक्सेस इन द साउथ और वहाँ पर क्या हुआ था जो इनके ये थे ना ड्यूमाज ड्यूप्लेक्स ये जो गवर्नर्स आए इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड थ्री वॉर जो हिस्ट्री में फेमस हुई कार्नेटिक जिसे हम कर्नाटक वॉर भी कहते हैं दे सील्ड दे आर फेट इन इंडिया एंड दे बिकम नॉन एग्जिस्टेंस ईर क्यों क्योंकि जब ये वॉर में एंगेज हो गए ब्रिटिशर्स आ गए और ब्रिटिशर्स के साथ जब एंग्लो फ्रेंच वॉर होनी स्टार्ट हो गई तो वहाँ से फ्रेंच की पावर डिक्लाइन होने शुरू हो गई देखो पॉर्चुगेज डच एंड फ्रेंच अब बारी आती है द ब्रिटिश की अब द ब्रिटिश द लगा रहे हैं हम इनके साथ प्रॉपर नाउन द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन सिक्सटीन हंड्रेड ये आपको याद रखना है ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1600 में आए ये भी ट्रेड परपज़ के लिए थे ठीक है इन्होंने भी कुछ ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे उस समय मुगल एम्प्रयर के टाइम पे इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी सूरत में 1611 में उसके बाद वो अहमदाबाद बुरनपुर अजमेर आगरा पटना कैलकटा डेका बॉम्बे जगह जगह अपनी फैक्ट्री और अपने इस्टेब्लिश करते गए एंड उसके बाद क्या हुआ दे द हैंडसम अमाउंट उन्हें प्रॉफिट होना शुरू हो गया फिर उन्हें प्रिवलेज मिलने लग गई टैक्स फ्री कर दिया गया उनका ट्रेड स्पेशली हैदराबाद बंगाल गुजरात में फ्रॉम द मुगल एम्प्रर फरूख सार और शायद यही गलती थी फरूख सार ने टोटल ट्रेड टैक्स फ्री कर दिया तो भाई आराम से उनका ट्रेड जो है एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया और उसने पता है क्यों टैक्स फ्री किया सिर्फ उसने कहा कि तीन हज़ार पर एनम साल का आप मुझे पेमेंट करना उस समय के हिसाब से तीन हज़ार साल का मुझे देते जाओ और जैसे मर्जी वैसे ट्रेड करते जाओ तो ये शायद रॉन्ग पॉलिसी थी इसी वजह से ब्रिटिश धीरे धीरे कैप्चर करते गए एरिया को और यहाँ से ब्रिटिशर्स जो है नेटिव रूलर्स के साथ जो लोकल नेटिव रूलर्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए उन्होंने अपनी धीरे धीरे पावर को बढ़ा दिया फ्रेंच के साथ लड़ाई लड़ी फ्रेंच को एलिमिनेट कर दिया इंडिया से एंड वेन एवर द ब्रिटिश गेंद कंट्रोल ऑफ अ प्लेस द इमीडिएट फोर्टिफाइड ये इनकी एक पॉलिसी थी जिस भी एरिया को वो लड़ते थे और जीत जाते थे ना इमिडिएटली फोर्टिफाइड किला बंदी कर देते थे किला बना देते थे मतलब घेराबंदी तो इसलिए वो एरिया सिक्योर हो जाती थी उनके अंडर इवन दे बिल्ड द फोर्ट्स एट मड्रॉस जैसे हम चेन्नई कहते हैं अभी वहाँ पे उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया देन कैलकाटा जिसे कोलकाता कहा जाता है वहाँ पे उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया सो दे टुक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया उन्हें ये दिख रहा था कि इंडिया में आपस में ही जो लोकल रूलर्स हैं इनमें आपस में ही लड़ाई है तो इसका एडवांटेज हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़वा के यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को मास्टर बनाना शुरू कर दिया धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी में नॉलेज विंडो में देखो बेटा फैक्ट्री का मतलब क्या था जो ब्रिटिशर्स हम कह रहे हैं ना सूरत में उन्होंने फैक्ट्री स्टार्टअप की तो इसका मतलब था ट्रेड सेंटर ब्रिटिशर्स का ये ट्रेड सेंटर था बिकॉज इट वॉज द रेजिडेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कॉल द फैक्टर्स सो बेटा इंडिया में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस जो है वो बढ़ता गया और उनकी एक और एक अच्छी बात ये थी कि जिस जिस जगह को वो कैप्चर करते जा रहे थे ना उनको वो इमिडिएटली फोर्टिफाइट करते जा रहे थे लाइक like अगर आपको कोलकाता का दिख रहा है तो फोर्ट विलियम उन्होंने वहाँ पे बनाया था सेंट जॉर्ज जो है उन्होंने कैलकटा में फ़ोर्ट बनाया एंड फोर्ट एट मेड्रॉस ऑल्सो जिसे हम चेन्नई कहते हैं सो so फोर्टीफाइड किलाबंदी वो करते जाते थे जिससे कि सिक्योरिटी रहे उस प्लेस की सो so आप ये कह सकते हो धीरे धीरे विद द पासेज ऑफ टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स का जो डोमिनस था वो बढ़ता गया डच जो थे वो एलिमिनेट हुए पॉर्चुगेज एलिमिनेट हुए हाउवर ब्रिटिशर्स को जो फ्रेंच थे ना उनके साथ थ्री बिग वॉर्स जो है लड़नी पड़ी थी इंडिया में टू गेन देयर कंट्रोल से मतलब हुए। Now, अगर हम बात करें तमिलनाडु की बात करते हैं तो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंग्लैंड और फ्रांस की वहां पर ट्रेडिशनल आप ये कह सकते हो रैवलरी रही लड़ाई लड़ी गई क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ मिड्रॉस जिसे हम प्रेदेंटे चेन्नई कहते हैं एंड इवन दे कम्पीटेड इन द ट्रेड एंड ट्राई टू एलिमिनेट ईच अदर इंग्लिश की और फ्रेंच की लड़ाई लड़ती होती रही यहाँ पर कि भाई ट्रेड पर भी हम कैप्चर करते जाएँ डक्कन की बहुत सारी एरिया है उसको कैप्चर करते जाएँ तो सेवरल टाइम ये लोग आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट में आए इवन आप ये देखोगे जो नवाब ऑफ़ कॉर्नेटिक थे देन द मराठासन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द रोलर ऑफ मैसूर ऑफ

बट हिज़ नेवल कमांडर रिटर्न इट टू द ब्रिटिश अभी ये क्यों किया भाई जब तुमने कैप्चर कर लिया तो उसे क्यों ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया बिकॉज ब्रिटिशर्स ने उसे ब्राइप कर दिया तो रिश्वत के उसमें उसने जो कैप्चर की हुई एरिया थी मेट्रॉस वो ब्रिटिशर्स को वापस कर दी इस पर क्या हुआ जुप्लेक्स ने फिर से मेट्रॉस पे अटैक किया उसे ऑक्यूपाई किया अब ब्रिटिशर्स ऑट द प्रोटेक्शन फ्राम द नवाब ऑफ कर्नाटिक नवाब सेंट एंड आर्मी अंडर हिज कमांड ऑफ सन सो बट इट वॉज कम्प्लीटली रूटेड यानी कि ब्रिटिशर्स ने कर्नाटिक नवाब का भी साथ लिया था लेकिन जीत नहीं पाए थे डुप्लेक्स से सो दिस बैटल प्रूव डेट अ स्मॉलर नंबर ऑफ़ वेल ट्रेन्ड और वेल पेड और वेल इक्विप्ड सोल्जर्स जो थे वो एक बड़ी आर्मी को हरा सकते थे यानी कि यहाँ पर जो फ्रेंच की आर्मी थी वो छोटी थी फिर भी वो जीत गई ना हुआ क्या यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना हु वॉज द क्लार्क इन द ब्रिटिश कंपनी एट दैट टाइम ही एनालाइज दिस आउटकम उसे ये समझ में आया कि देखो हमारी इतनी बड़ी आर्मी है फिर भी हम फ्रेंच से हार गए तो ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी जहाँ पे फ्रेंच की जीत हुई अब कर्नाटिक देखो इट वाज लोकेटेड इन द मुगल इंडिया कोस्टल जो आपका एरियाज है ना प्रेजेंट डे तमिलनाडु का एंड इट वाज डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद तब हैदराबाद के कंट्रोल में ये था कर्नाटिक अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर पर चलें सेवनटीन टू फिफ्टी पे तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर केम टू तो एन एंड वेन इन यूरोप पीस वॉज साइंड इन बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड इन दोनों के बीच में ये ट्रिटी साइन हुई थी बट दिस पीस कुड नॉट लास्ट ये एग्रीमेंट ज़्यादा समय तक चला नहीं ट्रेडिंग कंपनीज आपस में इंटरफेयर करने लगे और फिर से जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है ब्रोकआउट हो गई बहुत ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनीज वॉन्टेड टू हैव देयर डोमिनेंस एंड इवन देयर हैव देयर डोमिन इन दीज स्टेट्स सो डैट दे कु हैव इन्फ्लुंस देर उन्हें ये लगता था ये जो हैदराबाद है इवन आपका ये जो कर्नाटिक वाला एरिया ये टोटल हमारे कैप्चर में आ जाए तो हुआ क्या उस समय द ब्रिटिश सपोर्टेड द मोहम्मद अली इन कर्नाटिक उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया मोहम्मद अली को एंड नासिर जंग इन हैदराबाद हैदराबाद के नासिर जंग को भी उन्होंने सपोर्ट कर दिया जबकि फ्रेंच ने क्या किया उन्होंने चंद्र साहेब और मुजफ्फरजंग को जो उनके राइवलरी थे उनको सपोर्ट किया यानी कि लोकल रूलर्स को इन दोनों ने अलग अलग लेवल पे सपोर्ट किया अब चंद्र साहेब वॉज इंस्टाल द नवाब ऑफ कर्नाटक एट दिस रॉबर्ट क्लाइव लेड अ स्मॉल आर्मी अगेंस्ट द फ्रेंच एंड डिफीटेड क्योंकि अब रॉबर्ट क्लाइव जो है एनालाइज कर चुका था कि भाई आर्मी में डिसिप्लिन और ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए तो एक अच्छी आर्मी लेके गया और वहाँ पे इसने फ्रेंच को हरा दिया इस डिफीट के बाद डुप्लेक्स वॉज रिकॉल टू द फ्रांस दोबारा बुलाया गया डुप्लेक्स को गए भाई फ़्रांस के हाथ से टेरिटरी जा रही है आप जैसे ही फ्रांस से बाहर निकल आए मतलब इंडिया से बाहर निकल आए हो तो इंडिया में दोबारा डुप्लेक्स को बुलाया गया सो so डैट डुप्लेक्स की पॉलिसी से दोबारा ये एरिया कैप्चर की जा सके अभी क्या हुआ चंद्र साहेब सीज द रॉबर्ट क्लाइव एट एयरकोर्ट हु डिफीटेड इट सक्सेसफुली एट दिस चंद्र साहेब फ्लैट बट ही वॉज मर्डर सो फ्रेंच लॉस द वॉर एट ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस लेकिन जब तक ये होता फ्रेंच जो हैं वो हर जगह से अपनी वॉर हार चुके थे यानी कि फर्स्ट उन्होंने विन की और सेकेंड कर्नाटिक वॉर वो हार गए एक पीस ट्रीटी साइन की गई थी सेकेंड कर्नाटिक वॉर में जहाँ पर फ्रांस को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा इसके बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर भी ब्रोक आउट हुई सेवनटीन फिफ्टी टू सिक्सटी थ्री में सेवन ईयर्स वॉर स्टार्टेड ब्रिटेन बिटवीन द ब्रिटेन एंड फ्रांस इन यूरोप इन सेवनटीन फिफ्टी सिक्स और इससे क्या हुआ ब्रिटिश और फ्रेंच की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी ना वो इंडिया में एक दूसरे के आमने सामने आ गई और उनमें छोटे 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 कॉन्फ्लिक्स जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते गए छोटी छोटी बैटल्स उनमें होती रहीं इवन ऐट द मेजर बैटल जो अकड़ हुई डेट इज़ इन द सेवनटीन फिफ्टी एट फ्रेंच वॉर सक्सेसफुल इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि फ्रांस पूरी तरीके से जीत जाएगा लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड जो थर्ड कॉनिटिक वॉर में विन हुई वो ब्रिटिशर्स की हुई

हिस्ट्री इज देयर फॉर अस टू लर्न द लेसन तो हमें इन कारणों को एनालाइज करना है और समझना है कि फ्रांस क्यों हारा देखो सबसे पहला कारण क्या था डिस्पाइट द फैक्ट कि फ्रेंच कंपनी के पास बहुत सारे एबल ऑफिसर थे फिर भी उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ा क्यों क्योंकि ब्रिटिश कंपनी वॉज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी उन्हें बार बार फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उससे परमिशन लेनी पड़ती थी उसमें टाइम लग जाता था वेस्टेज हो जाते थे रिसोर्सेज के और ये जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटिशर्स की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो फ्री थी वो एट एट ए टाइम अपना जो है डिसशन ले लेती थी तो ये एक मेजर रीजन रहा सेकेंड एट दिस टाइम फ्रांस वॉज बिल्डिंग इट्स एम्पायर एम्पायर इन द अमेरिका तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा अटेंशन वो दे रहे थे इंडिया में उतना अटेंशन दे नहीं पाए थर्ड आफ्टर द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर द बंगाल दे कुड मस्टर ग्रेट रिसोर्स विच द फ्रेंच कुड नॉट जैसे जैसे वो अपनी पावर को गेन कर रहे थे तो सारे रिसोर्सेज पे भी कंट्रोल करते जा रहे थे जो कि फ्रांस नहीं कर पाया ब्रिटिश नेवी जो थी वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी एज कंपेयर टू फ्रेंच नेवी देन ब्रिटिश नेवर नेग्लेक्टेड द ट्रेड ट्रेड पे उन्होंने हमेशा ध्यान दिया फाइनेंशियल कंडीशन पे हमेशा ध्यान दिया इसीलिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो थी वो स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू फ्रेंच तो यही कारण था कि ब्रिटिश ने अपनी ऑटोनॉमी प्रूव कर दी इंडिया में अब डिस्कस करते हैं ब्रिटिश स्ट्रगल फॉर टेरिटरी चलो ये तो हो गया जो बाहर के आए थे आपके डच पोर्चुगीज और फ्रांस उनको हरा के नाउ ब्रिटिशर्स आर द वन लेकिन जो इंडिया में ऑलरेडी रीजनल रूलर थे उनके साथ कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया सो कर्नाटिक वॉर वॉर स्टिल बिंग फाउट इन द साउथ वैन द ब्रिटिश कास देअर ग्रिडी आई ऑन द बंगाल देखो इससे वो मतलब इतना नहीं था कि बस यहीं तक चलेगा उन्हें तो पूरा इंडिया चाहिए था और बंगाल पर कंटिन्यूसली उनकी आँख थी क्योंकि बंगाल जो था वो रिच फर्टाइल लैंड था फुल ऑफ रिसोर्सेज था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने ऑलरेडी फरूख सियार को अपने मैंने बताया था अपने कंट्रोल में ले लिया था फरूख सियार ने उन्हें जो है टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया था कंसेशन दे दी थी नाउ दे वॉन्टेड टू ब्रिंग इट अंडर द कम्प्लीट कंट्रोल बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला। अभी क्या हुआ द नवाब ऑफ बंगाल थे ये सिराजुद्दौला तो उन्हें ये लग रहा था सिराजुद्दौला भी हमें ऐसे ही फ्री कर दे और हम धीरे धीरे बंगाल को कैप्चर कर दें लेकिन सिराजुद्दौला पिक्चर में देख रहे हैं इन्होंने पूरी तरीके से डिनई कर दिया मना कर दिया कि कंप्लीट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया वेन फोर्टिफाइड द फोर्ट विलियम एट कलकाटा एंड डग डिचिसज अराउंड इट दिस वॉज नॉट लाइक बाय सिराजू दौला भाई तुमने जिस किले को बनाया उसके आगे आगे ना वो क्या कर रहे थे सुरंग बनाना शुरू कर रहे थे खुदाई करना शुरू कर रहे थे सिराजू दौला ने उन्हें मना कर दिया अब इस समय तक क्या था ब्रिटिशमेंट फ्रॉम मेड्रॉस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव अभी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या क्या अटैक कर दिया अटैक किया और कैलकाटा को कैप्चर कर लिया द नवाब एंड द ब्रिटिश एग्रीड फॉर पीस अब वहां पर सिराजू दौला को इनके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ा अब एग्रीमेंट किया तो हुआ क्या दैट द फॉर्मर वॉज अफ्रेड दैट अहमद शाह अब्दाली कुड अटैक बंगाल सिराजुद्दौला को उस समय यही लग रहा था कि अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो सकता है और बाद में उन्हें यह भी लग रहा था कि नवाब कुड एंटर अ ट्रीटी विद द फ्रेंच ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर हमने ये पूरा बंगाल नहीं कैप्चर किया तो एक तरफ अहमद शाह अब्दाली का अटैक है दूसरी तरफ सिराजुद्दौला फ्रेंच के साथ मिल सकता है तो वो नहीं होना चाहिए टोटल कंट्रोल हमारे पास आना चाहिए सो इन द एंड उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स वर बेनिफिटेड बिकॉज दे गॉट राइट टू फोर्टिफाई द कोलकाता जब उन्होंने इस राजूद दौला को हरा दिया तो उसके बाद क्या हुआ उन्होंने पूरा फोर्टिफाई कर दिया कोलकाता को धीरे धीरे रिसोर्सेज पे कैप्चर करना शुरू hmm. कर दिया एंड देन मोर ओवर द नवाब वॉर सम प्रिजुडाइज अगेंस्ट अ हिंदू सो दे फेवर द ब्रिटिश सच्चैस जो आपके जगत सेठ थे उन्होंने सिराजू की जगह ब्रिटिशर्स को सपोर्ट देना शुरू कर दिया और एट दैट टाइम देवर द रिच बैंकर्स जैसे आपके अमी चंद हो गए ट्रेजरार होते थे है ना मानिक चंद हो गए इंचार्ज होते थे कैलकटा के तो इन सब ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया यही कारण था कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे बंगाल को अपने अंडर लाते गए उसके बाद क्या हुआ द नवाब है डिस मुस्लिम नोबल्स ऑल्सो सिराजुद्दौला से जो मुस्लिम नॉबल लाइक मीर जाफ़र मीर बख्शी खादिम खान ये भी खुश नहीं थे तो इन्होंने भी इसके साथ गद्दारी की और ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया तो ये सब जो डिस्प्लेस हुए जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया उसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो गई सेवनटीन ब्रिटिशर्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया अब उन्हें पता था कि भाई बहुत सारे नोबल्स बहुत सारे जगत से बहुत सारे लोग हमारे फेवर में आ चुके हैं तो उन्होंने सिराजुदौला से फालतू की डिमांड करनी शुरू कर दी जो कि उन्हें पता था सिराजुदौला नहीं मानेगा और नहीं मानेगा तो उनके साथ लड़ाई होगी और वो चाहते थे कि हो जाए भाई तो सेवनटीन में प्लासी में बैट आ, जो है सराजुदोला और ब्रिटिश आर्मी आमने सामने हो गई द बैटल ब्रोक टुक प्लेस ऑन ट्वेंटी जून बट इट वॉज अ बैटल ऑनली इन द नेम द मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय द मीर जाफ़र एंड राय दुर्लभ टुक नो पार्ट इन द बैटल क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी ब्रिटिशर से हैंड ज्वाइन कर रखा था मीर जाफर ने तो इन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो सिर्फ नाम था कि जी सिराजुदौला की आर्मी लड़ रही है जिसको कोई हरा नहीं सकता था बट उसके बड़े बड़े नवाब्स जो थे नोबल्स जो थे वो उसका साथ ही नहीं दे रहे थे और इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुदोला की हार हुई अगर आप देखोगे इन मिलिट्री टर्म दिस बैटल वॉज नो सिग्निफिकेंस बट इट चेंज द फेट ऑफ इंडिया मीर जाफ़र को इन्होंने क्या किया सिराजुदौला को हराने के बाद मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया कि भैया आप बंगाल के नवाब होंगे और मीर जाफ़र बड़े खुश हो गए लेकिन ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स द मीर जाफर वॉज द पपेट किंग क्योंकि जो उन्हें वही करना पड़ता था जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे तो अब मीर जाफ़र को भी समझ में आ गया कि ही वॉज़ नॉट द एक्चुअल रूलर और कंट्रोलर ऑफ द बेंगाल अभी क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने तो मिस यूज़ करना शुरू कर दिया सारा आ, उसके रिसोर्सेज को अब बंगाल का एडवांटेज टोटल और टोटल ब्रिटिशर्स के पास आ गया तो so, ये जो बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट निकला इन अनटोल्ड मिजरीज़ फॉर इंडियन पीपल सोचा तो था मीर जाफ़र ने और जगत सेटने के बहुत अच्छा होगा लेकिन नहीं इसके बाद इंडिया के अंदर कहते हैं ना दुर्भाग्य बहुत पेनफुल सिचुएशन स्टार्ट हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारे रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में कर लिए सभी को मतलब जो है जिनकी पावर थी उनकी रिड्यूस करनी शुरू कर दी मीर जाफर को जब उन्होंने नवाब बनाया तो बोल दिया जी रियल पावर हमारे पास रहेगी आप सिर्फ नेम के पपेट राजा रहेंगे फार्मर्स को फोर्स करना शुरू कर दिया कि भैया वो अपना प्रोडक्ट जो है लोअर रेट पे सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही बेचेंगे ट्रेजर पूरा जो है खाली करना शुरू कर दिया तो इस तरीके से धीरे धीरे सारे रिसोर्सेज को जब उन्होंने का, 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 कंट्रोल में कर दिया सारे रूलर्स और नोबल्स के प्रवलेजेस छीन लिए और जब उन्हें लगा कि भाई बंगाल का खजाना भी खाली हो रहा है तो टोटली उन्होंने क्या किया मीर जाफ़र को भी हटा के मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया मीर कासिम मीर जाफ़र का सन इन लॉ था तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स की चाल देखो डिवाइड एंड रूल एक दूसरे को आपस में लड़ाकर वो पूरा का पूरा रूल ओवर कर रहे थे और इस लड़ाई ने ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा राज्य जो है उनके कंट्रोल में दे दिया ब्रिटिशर्स जो है टैक्स फ्री ट्रेड को इन्जॉय करने लगे और इंडियन ट्रेडर्स पर हैवी टैक्स लगाने लगे पूरा इंडियन ट्रेड को उन्होंने खत्म ही कर दिया एंड दे अटैक्ड एंड डिफीटेड द मीर कासिम ऑल्सो लास्ट में उन्होंने मीर कासिम को भी हरा दिया छोटी छोटी लड़ाइयाँ और सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर सेवनटीन सिक्स थ्री के बाद कंप्लीट उनके कंट्रोल में आ गया अच्छा ये जो मीर कासिम के साथ उनकी लड़ाई हुई 1764 में डेट इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर क्योंकि जब इन्होंने मीर कासिम को हराया 1763 में तो क्या हुआ वो अवध भाग गया वहाँ वो नहीं मरना चाहता था तो वो अवध भाग गया और वहाँ जाके जो नवाब थे अवध के उनके पास रिफ्यूजी की तरह रहने लगा वो नवाब थे शिजाउदोला और उससे उन्होंने हेल्प मांगी मीर कासिम ने दौला से कि मिलकर हम जो है लड़ाई लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ अब क्या था ही वॉज़ नन अदर द शाह आलम टू उस समय मुग़ल एम्पर भी था शाह आलम टू हालांकि नाम का ही एम्पर था इतना कोई फेमस नहीं हुआ लेकिन ये लगा अगर शाह आलम शिजाउदौला और ये मीर कासिम तीनों मिलकर अगर प्लान तरीके से अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स पे तो शायद ये अपनी एरिया को रीगेन कर पाएंगे तो इस तरीके से तीनों ने मिलकर जो है लड़ाई लड़ने की सोची अब शिजाउ जो थे ही एंटर्ड इनटू द बिहार बट सफर्ड डिफीट अगेंस्ट द ब्रिटिश नियर द पटना तो भैया उन्हें तो क्या करना पड़ा वापस जाना पड़ा ही रिट्रीटेड टू द बक्सर द फाइनल बैटल टुक प्लेस एट बक्सर और ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर सेवनटीन सिक्सटी फोर वेअर शिजाऊ दौला कंप्लीटली बुरी तरीके से उनकी हार हुई क्यों बिकॉज देखो सॉट द सपोर्ट ऑफ मल्हार राव होलकर बट देयर ज्वाइंट फोर्सेज वर ऑल्सो डिफीटेड उन्हें लगा कि भाई होलकर भी हमें साथ दे रहे हैं उनकी भी आर्मी हमारे साथ है तो हम हरा देंगे लेकिन वो हरा नहीं पाए अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या थी बेटा ये जो तीन तीनों थे ना शाह आलम टू शुजाउदोला और मीर कासिम इन्होंने स्टार्ट तो टुगेदर किया था इकट्ठे के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे लेकिन बताया क्या हुआ मीर कासिम बीच में भाग गया फ्लैट जैसे ही फाइनल बैटल हुई ना बक्सर के उसे लगा कि हम हार जाएंगे वो भाग गया तो जब तीनों मिलकर लड़ रहे थे तो तीनों को लड़ना चाहिए था तो ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ हुई देन शाह आलम टू जो है वॉज नेवर हर्ड ऑफ अगेन शाह आलम टू द मुगल एम्पर उन्होंने सरेंडर ही कर दिया ब्रिटिश आर्मी के सामने तो लड़ाई लड़ेगा कौन तीनों ही फेलियर प्रूव हुए तो बैटल ऑफ बक्सर का जो आउटकम था वो क्या था दैट इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर इन नॉर्दर्न इंडिया पूरी तरीके से अगर आप देखोगे बंगाल बिहार उड़ीसा कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटिशर्स ने वन की थी तो उसके बाद बंगाल और बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो ये पूरा नर्दन इंडिया जो है इनके कैप्चर में आ गया अवध एंड बिकम और आपका जो बंगाल था बिकम फुली डिपेंडेंट स्टेट्स अवध बिकेम द बफर स्टेट बिटवीन द बंगाल एंड अनदर स्टेट्स तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि बैटल ऑफ बक्सर ने कंप्लीट पावर दे दी ब्रिटिशर्स को नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में और बेटा ये जो थर्ड वॉर हुई थी कर्नाटक की इसमें क्योंकि कम्प्लीटली कंट्रोल uh, जो है ब्रिटिशर्स के पास आ गया था सो रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेरी क्लेवर क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर हम डायरेक्टली सारा कंट्रोल कर लेते हैं तो उस समय के जो लोग हैं जो रीजनल अदर रूलर्स हैं वो उनके अगेंस्ट हो सकते हैं तो उन्होंने क्या किया मीर जाफ़र को दोबारा से गद्दी पे बैठा दिया बंगाल का नवाब बना दिया ठीक है एंड शजाउदुल्ला को भी अवध का नवाबी दे दी लेकिन उन्होंने उनकी पावर को कर्टेल कर दिया यानी कि कम कर दिया सिर्फ एक पपेट राजा की तरह नाम के राजा की तरह रखा काम सारा रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ये पॉलिसी को सामने रखा ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है जहाँ राजा भी मतलब राज्य कर रहा है और ब्रिटिश भी जो है वो भी गवर्न कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कैसे किया इन्होंने ये कहा कि ये जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीमेंट है इसमें क्या होगा जो ब्रिटिशर्स हैं दे गॉट द राइट ऑफ दीवानी दीवानी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टैक्स तो टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा ब्रिटिशर्स कहाँ पे बंगाल बिहार और ओडिशा में ठीक है और उन्होंने क्या कहा कि दूसरा जो गवर्नेंस में आता है एडमिनिस्ट्रेशन राइट ऑफ निज़ामत ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स है ये मुग़ल एम्पर को दे दिया जाएगा ठीक है ये राजा लोग जो हैं वो शासन चलाएंगे और जो टैक्स कलेक्ट करने का काम है वो ब्रिटिशर्स करेंगे अब आप सोचो बेटा ये कैसा ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया क्योंकि पैसा तो सारा ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है तो भई राजा लोग कैसे गवर्नेंस करेंगे तो लोगों की निगाह में तो राजा बिल्कुल ही फेलियर प्रूफ हो गया लेकिन राजा काम कैसे करेगा जब उसके हाथ में पैसे ही नहीं है तो इस तरीके का ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन शो करके उन्होंने सारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अपने हाथ में कर ली सो दिस सेटलमेंट रिजल्टेड इन दैट बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा क्या हो रहा है कैसे राज्य चलेंगे नहीं हो पाया और धीरे धीरे इन तीनों जगह की जो सिचुएशन थी वो पिटिएबल हो गई और यू कैन से फाइनली जो है ये सारी एरिया कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई जब सेवनटीन में इस ड्यूएल एडमिनिस्ट्रेशन का एंड कर दिया गया वारन हास्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल बने बंगाल के और उन्होंने कहा जी बस बहुत हो गया डायरेक्ट कंट्रोल जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा सो so, इस तरीके से ब्रिटिशर्स का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में लेट्स डू द क्विक रिविजन हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या डिस्कस किया कि डायरेक्ट ट्रेड होता था बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न यूरोप और जब वास्को डिगामा ने जो है रूट डिस्कवर किया था ऑफ द डच, फ्रेंच और ब्रिटिश भी जो है ट्रेड परपज से इंडिया में आए थे फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर को गेन किया साउथ में ब्रिटिशर्स को तीन कार्नेटिक वॉर जो है लड़नी पड़ी विद द फ्रांस नेटिव रूलर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ओवरऑल कंट्रोल देन ब्रिटिश सिक्योर द टैक्स कंसेशन फ्रॉम द मुगल एम्परर जब उन्हें टैक्स कंसेशन दे दिया था ना फरूख सियार ने तो धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ती गई बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ी थी जो बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी सराजूदौल और ब्रिटिशर्स के बीच में फिर हमने ये पढ़ा था कि जो मीर कासिम था वो अपने आप को फ्री करना चाह रहा था जब उसे राजगद्दी पर बैठाया गया था वो चाहता था कि मुझे कंट्रोल मिले लेकिन वो तो नाम का राजा रह गया था फिर हमने ये भी डिस्कस किया था ब्रिटिश वॉइस इन द बैटल ऑफ बक्सर मेड द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल पार इन इंडिया फिर कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स के माइंड सेट को शो कर रहा था कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके हाथ में रहेगी और लोगों के वेलफेयर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और इस ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन के एंड के बाद कंप्लीटली उन्होंने इस एरिया पर अपना कंट्रोल डायरेक्टली कर लिया सो डेट्स एंड फॉर द चैप्टर आई होप यू अंडरस्टैंड प्लीज़ डू द एक्सरसाइज